सारे भाई राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधू भाइयों, आज हैं हम लोग जींद के जांच गांव के अंदर। यहाँ पर भाई अपने जो लंगर चल रहा है, जो किसान भाई पंजाब से चलकर दिल्ली की ओर कुछ कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है अपने हरियाणा वालों की तरफ से। और भाई जो बबीता फोगाट लगातार हरियाणा पंजाब का अपना भाईचारा खराब करने के लिए SYL का मुद्दा उठा रही थी, तो बबीता फोगाट को मैं कहना चाहूँगा भाई देखिए हुआ हमारा हरियाणा और पंजाब का भाईचारा, क्योंकि पंजाब वाले भाई जो दिल्ली की ओर लगातार कुछ कर रहे हैं, हरियाणा वाले उनको खाना खिला रहे हैं और अपने जो पंजाब के भाइयों को खाना खाने लग रहे हैं। देख लो भाई, यूँ है भाईचारा किसानों का। और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? बलजिंदर सिंह है जी। कहाँ से आए हैं? हम मानसा जिले से आए हैं जी। जैसे कि ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर हरियाणा और पंजाब का भाईचारा देखने को मिला है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? हम कहेंगे बहुत अच्छा बात है ये तो जी। अगर हम साथ साथ चलेंगे तो ही हमारा कोई आओगे या एक होगा पंजाब और हरियाणा। हम चाहते हैं सब सभी भाईचारा एक हो, सभी हम एक दुख सुख में एक साथ चले, ताकि पुराना विरासत और हम पुरानी विरासत को फिर साम सकें। इसलिए जी, और जो यहाँ पर हरियाणा BJP सरकार है, खट्टर सरकार, और एक बड़ी खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं बबीता फोगाट, उन्होंने SYL का मुद्दा उठाया राजनीतिकरण करके, ताकि हरियाणा और पंजाब का भाईचारा खराब हो, उसको लेकर क्या कहोगे जो सरकार ने साजिश रची थी? देखो जी, पानी को तो फिर भी कर लेंगे हल हम जी। अगर जमीन ही ना रही तो पानी किस काम का है जी। हम तो सोचते हैं ये तो राजनीति की बातें हैं, हमें सबसे इनसे दूर रहना चाहिए, इन बातों से गतिविधियों से। भाईचारा किसान ही सबसे एक है, किसान हम सब अन्नदाता हैं, सब हर जिले का और हर किसान का लोग का पेट भरते हैं, इसलिए इन लोगों को सोचना चाहिए किसान के बारे में भी जी। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद्र है, CITU का राज्य उपाध्यक्ष जी। जी, जैसे अपने हरियाणा और पंजाब का भाईचारा देखने को मिल रहा है, जो पंजाब वाले किसान यहाँ से गुजरे उनको खाना खिलाया जा रहा है हरियाणा वाले को तरफ से, इस जो भाईचारे को लेकर क्या कहना चाहोगे? ये भाईचारे की पहले भी जरूरत थी जी। और ये भाईचारा और कायम हो इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और ये अच्छी बात है कि लोग धर्मों पर और इलाकों में ना बटके एक बड़े पूंजीपति के खिलाफ लड़ाई है, इसकी जरूरत पहले से थी, अब ये हो गया, अच्छी बात है। जैसे अपने BJP सरकार है यहाँ हरियाणा में, उनके द्वारा SYL का मुद्दा उठाया गया ताकि हरियाणा और पंजाब का भाईचारा न बने, किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, इस राजनीतिक साजिश को क्या? ये देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं, इनका फूट डालो राज करो, लोगों में डिवाइड करने का, चाहे पिछला आरक्षण आंदोलन है, चाहे ये लव जिहाद का मामला है, ये भी फूट डालने के लिए है। आज जब किसान आंदोलन कर रहा है, ये लव जिहाद के कानून बना रहे हैं, और हरियाणा की जनता बखूबी समझ गई कि इन्होंने SYL का पानी नहीं लेना, बल्कि आंदोलन में फूट डालने की कोशिश थी और वो नाकाम हो गई। और जो दिल्ली में दो बातों पर सहमति बनी है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये छोटे जो सवाल थे इन पर सरकार ने उल्टा हटना पड़ा, जो ये प्रचार था कि मोदी उल्टा नहीं हटेगा, इस किसान आंदोलन ने उसको मजबूर किया है ये दोनों अध्यादेश रद्द करने के लिए, और मजबूर करेगा ये आंदोलन किसानों के जो काले कानून है वो भी रद्द हो, और MSP का कानून बने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार बने, और एक एक दाना खरीदने की गारंटी हो। दोस्तों, ये जांच गांव के अंदर यहाँ पर जो भंडारा चल रहा था, मतलब लंगर चल रहा है, जो किसान पंजाब से चलकर दिल्ली की ओर कुछ कर रहे हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है यहाँ पर हरियाणा वालों की तरफ से, और यहाँ पर जो भाईचारा है वो देखते ही बनता है, बेजोड़ और ज़बरदस्त भाईचारा देखने को मिल रहा है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।